दोस्तों आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं इनामुल्ला खान। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों में भाजपा ने गुरुवार को जीत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चुनाव आयोग के देर शाम तक जारी आंकड़ों में भाजपा 156 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं कांग्रेस महज 17 सीट हासिल कर सकी। राज्य में पहली बार चुनावी मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीट आई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल 12 दिसंबर को गांधीनगर स्थित हेलीपैड मैदान में शपथ लेंगे। आगे बताते चले कि कांग्रेस ने 1985 में माधव सिंह सोलंकी की अगुवाई में 149 सीटें जीती थी। वहीं नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते भाजपा ने 2002 के चुनाव में 127 सीट हासिल की थी। इस जीत के बाद भाजपा ने दोनों रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उस वक्त माधव सिंह सोलंकी के समय में इंदिरा गांधी, जो काफी अंतरों से चुनाव हराया था, इसमें दिग्गजों की भी जीत हुई है। भाजपा से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घाट लोडिया सीट से, हार्दिक पटेल ने विरमगाम सीट से और क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा ने जामनगर सीट से जीती है। अल्पेश ठाकुर ने गांधी दक्षिण से जीत दर्ज की है। चुनाव से ठीक पहले सुर्खियों में आए मोरबी की सीट भाजपा के कांति लाल अमृतिया के खाते में गई है। कांग्रेस नेता इंद्रनील राजगुरु राजकोट पूर्व से चुनाव हार गए हैं, जबकि वड़गाम से जिग्नेश मेवाड़ी पार्टी को जीत दिलाने में कामयाब रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री पद का चेहरा रहे ईसुदान गढ़वी को खंबालिया, जबकि पार्टी की प्रदेश इकाई के प्रमुख गोपाल इटालिया को कतारगाम सीट पर हार का सामना करना पड़ा है। उधर हिमाचल प्रदेश में फिर से कांग्रेस की हुकूमत बनी है। कांग्रेस 40 सीट, भाजपा 25, आप 0, अन्य 3। यानी हिमाचल प्रदेश में 5 वर्ष बाद सत्ताधारी पार्टी बदलने का रिवाज बरकरार रहा। गुरुवार को आए विधानसभा चुनाव के नतीजे में कांग्रेस ने भाजपा का विजयी रथ रोक दिया। पार्टी ने 40 सीट जीतकर बहुमत हासिल किया। भाजपा 25 सीट पर सिमट गई, जबकि आपका खाता ही नहीं खुल सका। गुजरात के अलावा भाजपा ने यूपी और बिहार के उपचुनाव में एक एक सीट जीती है। इस वर्ष पार्टी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल की थी। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।